ओम श्री गणेश नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड यस, फॉर डेली टैरो रीडिंग आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स एंड अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एज वेल। सो लेट्स फाइंड आउट, देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके स्कॉर्पियो, आप क्या किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि किसी को मैसेज करें? ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। रिकन्सिलिएशन, आर यू होपिंग फॉर अ रिकन्सिलिएशन? किसी से बात करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या भगवान के ऊपर छोड़ दिया आपने, ठीक है। थिंकिंग अबाउट मनी। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ये पर्सन जो है हो सकता है वेट कर रहे हैं आपका। मे भी हो सकता है इन्होंने कम्युनिकेशन स्टॉप कर दी हो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। और मे बी आप स्टिल यू नो कन्फ्यूज, या कुछ पास्ट है, कुछ है जो उनको हॉन्ट करता है और नॉट रीचिंग यू आउट, मतलब आपको रीच नहीं कर रहे हैं पर्पसली, ये चीज़ें हो सकती हैं। या एक्टिंग कोल्ड, या मैंने आपको बोला ना बीच में कोई और हो सकता है थर्ड पार्टी, तो ये पर्सन थोड़ा सा एक्टिंग कोल्ड का क्या मतलब है? दैट पर्पसली यू नो आप इमोशंस को साइड पे रख के वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इसलिए रीच आउट शायद नहीं कर रहे हैं, गुस्सा है, ऐसी कोई रीज़न हो सकता है। नाउ द आउटकम, इट्स अबाउट लाइक हॉट एंड कोल्ड, इट्स नॉट अ गुड एनर्जी, जगलिंग, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई मैरिड है, किसी के बच्चे हैं और ये चीज़ें हैं, ये रीजंस हैं, ठीक है। इस वजह से शायद हो सकता है रिलेशनशिप आप लोगों का सफ़र कर रहा है, ये चीज़ें हैं। चलिए, व्हाट एल्स इज कमिंग आप स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ में, आप देखते हैं। एंगेजमेंट, ओके, सो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट असेंडिंग टूवर्ड्स हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ओके, व्हाट एल्स? ओके, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट आप एक दूसरे को यू नो मिले, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। देन अगेन वी हैव सेपरेशन कार्ड हियर, फिर हमारे पास कार्ड आया लव योर सेल्फ, योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोस्ट नीडेड। तो यहाँ पे हमें वो सेपरेशन वाला फेज दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कि ऐसा हुआ, देन आप मिल, देन आप अलग हो गए और फिर अब सेल्फ लव वाली एनर्जी, एक्सक्यूज मी। ओके, सो दिस कुड बी द वन। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्कॉर्पियो कि शायद यू नो इट्स अ न्यू पर्सन, या मे बी इट्स अबाउट अ सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, आप किसी पर्सन से ज़रूर मिले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, देखिए सिचुएशन मैंने आपको बोला ना, हर किसी की अलग है। कोई मैरिड है जो लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी आप थर्ड पार्टी, नो, इट्स अबाउट प्रेफरेंस, ठीक है। कौन आपके साथ है, कौन आपका साथ दे रहा है, ठीक है, और आपको कहाँ लगता है कि जैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है पोटेंशियल, ठीक है। और अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर का साथ देना, ठीक है, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड फॉर सिंगल, येस ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है, हो सकता है कि येस गेटिंग एंगेज्ड, ठीक है, और हो सकता है कि आगे रिलेशनशिप बढ़े इन अ यू नो लाइक कनेक्टिंग विद समबडी, वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे और देखूंगी फॉर स्कॉर्पियो एज फॉर गेटिंग मोर क्लैरिटी। ओके, हमारे पास यहाँ पे गार्डन ब्लूमिंग, यू नो, सो मे बी हो सकता है गुड टाइम्स कमिंग, और या हो सकता है कि लाइफ आगे बढ़ रही है, रिट्रीट, और मे बी इट्स अबाउट लाइक आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचान रहे हैं, और जैसे जैसे सेल्फ वर्थ पहचान रहे हैं एवरीथिंग सीम्स टू बी ब्लूमिंग इन योर लाइफ, और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सो सिंगल लोगों के लिए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देन वी हैव चिवलरी, सो हो सकता है, येस ऑफकोर्स हो सकता है कि कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, समबडी गुड लुकिंग, चार्मिंग, ठीक है, और आप कनेक्ट कर सकते हैं। लॉट ऑफ फ्लावर्स, वी आर गेटिंग फ्रेश एनर्जी, और रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें हमें स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम आपके करियर की बात कर लेते हैं।
ओके, नाइन ऑफ कप्स एनर्जी, विश फुलफिलमेंट, करियर अच्छा दिखाई दे रहा है, आगे वे आउट, यू नो, मूविंग फॉरवर्ड इन अ डायरेक्शन, आपने एफर्ट्स पुट किया है, ठीक है, अब हो सकता है कुछ चेंजेस आ रहे हो करियर में, रास्ता आगे की तरफ बदल रहा हो, रास्ता आगे बदल सकता है आपके लिए करियर में, सो येस, अगेन डेफिनेटली, चाहे अच्छा कुछ हो सकता है कि भाई जॉब कर रहे थे तो अब बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, स्विच, यू नो, स्विचिंग टू समथिंग एल्स, कुछ के लिए हो सकता है कि डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, इवन डिफरेंट कंट्री, या कुछ स्टार्टअप है, ये है, रास्ते बदल रहे हैं, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, ठीक है. अच्छा, कुछ के लिए ये पेनफुल हो सकता है, ठीक है, बिकॉज आपको लग रहा हो कि फिर से सब कुछ सेटअप करना है, या बर्डन है, यू आर फीलिंग लिटिल बाउंड, और क्रिएटिविटी में अड़चन आ रही है, तो ज़्यादा आप सोच नहीं पा रहे हैं, या मतलब यू नो, सो वेल, इन दैट केस हैव टू यू नो कीप लिटिल पेशेंस, ठीक है ना. दोबारा से चीज़ें ग्रो होंगी, दोबारा से सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बट आपका विजन अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डिसहार्टेंड मत होइए, जो भी है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, सो दैट आप और बेटर कर सकें अपनी लाइफ में. तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर करियर. तो देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए. टेंशन, इट्स अबाउट टेंशन, किसी बात की टेंशन है, बहुत ज़्यादा से प्रेशन है, या आप समझ नहीं पा रहे आगे कैसे बढ़ें या क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट लेवल में रहना पसंद करते हैं, वो चीज़ भी हो सकती है, और अब अचानक से चीज़ें बदल रही हैं, न्यू एनर्जी फ्लो कर रही है, ट्रैवलिंग कार्ड हमारे पास, यू नो, सो इट्स अबाउट दैट, और आपको लग रहा है कि ये बहुत टफ़ है, बहुत टफ टास्क है, या आपको लगता है कि वहीं ठीक थे, गलती हो गई, ऐसा कुछ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. तो टेंशन मत लीजिए, आगे की तरफ बढ़िए, बर्डन मत लीजिए, ठीक है. हो सकता है कि कई लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइक एक्स्ट्रा बर्डन कैरी करना बंद कर दीजिए, वो हैवी है, ना कि आपकी लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए.